नमस्कार दोस्तों, जय ब्रह्मदेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। अगले 24 घंटे में 5 बड़ी खुशखबरी आप लोगों को मिलने वाली हैं। दोस्तों, महा बेवकूफी होगा जो इसे नजरअंदाज करने की बड़ी गलती करेगा, इसलिए अब आपको होना होगा सावधान। दोस्तों, आपको बता दूं कि अगले 24 घंटे में यानी कि दोस्तों आप लोगों के जीवन में कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। और दोस्तों, ये समय आपका 9:51 से प्रारंभ होने वाला है। बड़ी खुशखबरी आपको एक साथ मिलने वाली है। बता दें कि ब्रह्मदेव के साथ साथ देवोदेव महादेव ने भी अपनी कृपा आप पर बरसा दी है। और दोस्तों, ये जो महीना है आपका वो सबसे बेहतर जाने वाला है। इन 24 घंटे में कुछ बड़ी उपलब्धियां आपके लिए हैं। दोस्तों, इसमें काल सर्प योग, अमृत सिद्धि योग और सर्वार्ध सिद्धि योग के निर्माण हो रहे हैं, जिसमें आप लोग को बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी। वे कौन कौन सी खुशखबरियां हैं जो आपको मिलने वाली हैं? हर हाल में आपको ये खुशखबरियां मिलकर ही रहेंगी। दोस्तों, बता दें, देवों के देव महादेव आप लोगों को कुछ बड़े संदेश देंगे जो आपके जीवन में नए और बड़े बदलाव लेकर आएगा। यूं कहें दोस्तों, ये वो 5 बड़ी खुशखबरियां हैं जो कि ऐसी खुशखबरियां आपको शायद 7 जन्मों में भी ना मिले। और आपके जीवन में होने वाले ये बड़े बदलाव आपके लिए अच्छे रहेंगे। और जो लोग आप पर बुरी नजर डालने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों को दोस्तों अब बुरे कर्म का फल मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बता दें, आपने अपने पिछले समय में बहुत दुखों का सामना किया है, बस यही कारण है इसका फल आपको अगले 24 घंटे में मिलने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं कि सबको सबके नसीब का ही प्राप्त होता है, नसीब से ज्यादा किसी को भी नहीं मिलता है। दोस्तों, इसका मुख्य कारण यही है, हमारे पिछले समय में किए गए कुछ कामों को। इसके साथ ही पिछले जन्मों में जैसे हमारे कर्म होते हैं, वैसे ही हमें जीवन प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, इस समय पर आप लोगों के बड़े से बड़े कार्य जो रुक रहे थे, वह भी अब संपन्न होने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, पूरी जानकारी बताने से पहले, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को एक लाइक कर दें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय ब्रह्मदेव, जय शिव शंकर अवश्य लिखें, ताकि ब्रह्मदेव के साथ साथ शिव शंकर का भी आशीर्वाद आपको और आपके परिवार को मिले। वह उनकी अच्छी कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहे। आपके दोस्तों जो कार्य बनते बनते बिगड़ रहे थे, उन कार्य को भी अब किसी की गलती से भी नजर ना लगे। और साथ ही साथ इन खुशखबरियों के साथ साथ आपको कुछ सावधानियां भी रखनी है, जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जैसे कि खुशखबरियों के साथ साथ कुछ सावधानियां भी हम आपको बताते हैं, जिससे कि दोस्तों आपको उन खुशखबरियों का बड़ा लाभ मिल सके। संपूर्ण वीडियो में ज्यादातर हम सावधानियां भी बताते हैं, तो आपके लाभ के लिए ही वीडियो आपको पूरा देखना है। इसमें आपका संपूर्ण लाभ है, क्योंकि दोस्तों इस समय आपके लिए काफी अच्छा समय है, बड़ी खुशखबरियां आपको प्राप्त होंगी। साथ ही साथ कुछ सावधानियां भी रखिएगा। तो दोस्तों, बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी, कहां से मिलेंगी, किस प्रकार मिलेगी, आज सारे इस वीडियो में हम जानते हैं। दोस्तों, बस आपसे निवेदन है कि आप इसे शुरू से लेकर अंत तक देखें। लेकिन दोस्तों, बता दें, कामयाब होने से पहले आपको इस बात का विश्वास रखना होता है कि आपको कामयाबी अवश्य ही मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बस आप अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति करते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय आपका ना लेते हुए आपके 24 घंटे का संपूर्ण राशिफल बता देते हैं, किस प्रकार आपके लिए ये समय रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आने वाले समय में आपको ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक साथ बहुत ज्यादा कार्यभार आपको परेशान कर सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा रहने वाला है। यदि कोई छात्र कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो मेहनत थोड़ी ज्यादा लगने वाली है। इतना ध्यान रखिएगा कि कुछ भी आपके लिए नामुमकिन नहीं है, क्योंकि दोस्तों शिव शंकर का आशीर्वाद भी आपके साथ है। यदि आपके भाग्य में सरकारी नौकरी है तो अवश्य ही मिलेगी, लेकिन अगर नहीं भी लिखी है तो दोस्तों न्यायाधीश की भक्ति से आपको मिल जाएगी। चिंता नहीं करनी है, हार नहीं मानना है, बस मेहनत करने से कतराना नहीं है। कामयाबी आपकी जरूर निश्चित तरह से पूरी होगी। कोई घर का सदस्य आपका नुकसान करवाने वाला है। नुकसान किस तरह से, आपको सलाह दी सकते हैं किसी जगह पर पैसा लगाने की। आपको दोस्तों कुछ लोग सलाह दे सकते हैं दुकान खरीदने की, उधार देने की। वह वहां पर अपने पैसे को अपने हाथ में रखिएगा, क्योंकि वहां पर यदि पैसा निकला तो आपके हाथ नहीं आएगा।
परिवार के साथ समय व्यतीत करने का यदि मौका मिले तो मिल करके उनके साथ भोजन आप अवश्य कर लें, क्योंकि इसी खूबियां और खामियां दोनों पता चलती हैं। परिवार में सभी लोग आपस में क्या बातचीत करें इसका अंदाज़ा लगाइए। यदि कोई आपके बारे में गलत सोच रखता है तो उसका पर्दाफाश उसी वक्त हो जाता है। इसी के साथ अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो रिश्तों में मनमुटाव हो सकता है। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के बहसबाजी हो सकती है, सोच समझ कर बोलना ही आपके लिए बेहतर है। दोस्तों, आने वाले अगले 2 दिनों में बिजनेस अगर कर रहे हैं तो घर के अपने टांग अड़ाने वाले हैं, या तो आपको आगे बढ़ने में रोक टोक लगाएंगे या फिर आपकी प्रसिद्धि को दबा सकते हैं। ऐसे लोगों से ज़रा बच के रहिएगा, क्योंकि आपके सामने भले ही हंसकर लेकिन आपके पीठ पीछे गिराने की कोशिश या योजना बनाते हैं। आप दूसरों को राजी करने में बहुत ज़्यादा सक्षम हैं। आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं, किसी को भी मना सकते हैं। ये आपकी खामी है या फिर ये आपकी खूबी है, ये भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद है, तो आपको अपनी इस खूबी का वो फ़ायदा उठाना है। लेकिन दोस्तों, कोई चीज़ आप लोगों को असली रूप दिखाने वाली है। इस समय आपके ऑफिस से, हो सके तो दोस्तों आपके घर से भी तकलीफ़ हो सकती है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के आपको दोगला रूप दिखने वाला है। बाद में आपको एहसास होगा कि गलती कहीं ना कहीं आपकी है, आप भावनाओं में बह गए थे। आपने जो पहले निवेश किया था वह निवेश फ़ायदा देने वाला है। साथ ही साथ नेताओं से मिलने का अवसर आपको प्राप्त होगा और आप अपने विचारों के साथ उनके सामने काफ़ी अच्छे प्रस्तुत होंगे। कम उम्र में आप बहुत बड़े विचार अच्छे रखने लगे हैं। आने वाले समय में आपके लिए खतरा कम हो रहा है और नए माह की शुरुआत में ऐसे ज़्यादा निर्मित हो रहे हैं। जैसे तैसे करके आपको इन 6 दिनों में दोस्तों कुछ सावधान रहना है। रास्ते में आपकी रुकावटें तो आएंगी, लेकिन वह रुकावटें अब अंतिम चरण में हैं। जैसे कि दोस्तों, हमारे पास रहने की शुरुआत में जब पैसा आता है तो हम उसे बहुत जल्दी ख़त्म कर देते हैं और महीने के अंत तक हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है। यानी कि इन दिनों में दोस्तों आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन जैसे तैसे मैनेज करके चलेंगे तो दोस्तों महीने की शुरुआत में पैसा आएगा। इस बार ऐसी गलती नहीं करनी है कि एक साथ सारा पैसा उड़ा दे। उस पैसे को बचा बचा कर पूरे महीने चलाना होगा। इतना ध्यान रखिएगा, तभी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। किसी से उधार लेने की ज़रूरत नहीं आएगी, किसी से कर्जा लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप गाड़ी चला रहे हैं तो सावधानी पूर्वक चलाइए, हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करिए। इसी के साथ दोस्तों, नए लोगों के साथ संपर्क स्थापित होने वाले हैं जो कि काफ़ी कारगर होंगे, जो कि बहुत अच्छे भी होंगे। माता पिता संतान के भविष्य के लिए अपने परिचितों से बातचीत करते हुए नजर आएंगी। कुछ समय अपने बच्चों को आज़ादी ज़रूर दें। इतना ध्यान रखिए, कई बार हम काम काज में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं। नतीजा क्या निकलता है दोस्तों, कि बच्चे गलत संगति पकड़ लेते हैं। हम समझते हैं कि सब कुछ सही जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे उनका भविष्य बर्बाद हो जाता है। इसलिए अपने भविष्य पर ध्यान दें कि आप क्या पढ़ रहे हैं, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं। दोस्तों, ये खास डिमांड है, इसीलिए आप लोगों को व्यवसाय के लिए समय शुभ है। नए नए कॉन्टैक्ट बनने वाले हैं और अधिकारियों का सहयोग भी मिलने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।